दोस्तों आज हम बिल्कुल नए टाइप की एक मशीन आपके लिए लाए हुए हैं। ये है समोसा मेकिंग मशीन। समोसा एक ऐसा खाने का आइटम है जो बोल सकते हैं पूरे देश में खाया जा सकता है। ऐसा नहीं है डोसे की तरह कि साउथ में ज़्यादा खाया जाएगा, नॉर्थ में कम खाया जाएगा। समोसा पूरे देश में खाया जाता है और कई सारी कंपनियां समोसा बेच के कई सौ करोड़ की ब्रांड बना चुके हैं। कई ब्रांड काफ़ी फेमस हो गए हैं केवल समोसा बेच के। अब समोसा जब हम सेल करते हैं तो वहाँ मेन दिक्कत आती है मैन पावर की। मैन पावर आपकी भाग जाती है तो आप समझिए हर इंसान समोसा नहीं बना सकता है या कारीगरों पर डिपेंड नहीं रह सकता है। तो अपने प्लांट को ऑटोमेटिक आपको करना होता है। तो यही हम आपको दिखाने वाले हैं समोसा मेकिंग मशीन के बारे में। अब आपको हम जो मेन मशीन है समोसा पट्टी का, वो ऑटोमेटिक समोसा पट्टी का मशीन दिखाता हूँ। यहाँ से सिर्फ गुथा हुआ मैदा डालेंगे तो समोसा पट्टी कंप्लीट होके बाहर निकलेगी। अब आपको मैं पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ किसी तरह से समोसा पट्टी रेडी होती है। गुथा हुआ मैदा का आटा डाल दिया हमने मशीन में, अभी ऑटोमेटिकली हम बेल के पट्टी निकलेगी और जो पट्टी का फिनिशिंग है वो बढ़िया है फिनिशिंग, और जो कटिंग होगा ऑटोमेटिकली हमारा बेल से वो डायरेक्टली ट्रे में इकट्ठा हो जाता है और हम डायरेक्टली वो डाल सकते है। और देखो हमारी जो कितनी बढ़िया पट्टी मस्त निकल रही है और फिनिशिंग भी कितना बढ़िया है। ये मशीन एक घंटे में हमको 2 से 3 हजार पट्टी बना के दे देता है। ये मशीन में सबसे बड़ी बात ये है कि लाइट बिल बहुत कम आता है, क्योंकि यहाँ पे है ना पावर सेविंग मोटर लगी हुई है। मशीन चलता है वो साइलेंटली मशीन है, ऐसा नहीं है कि दो लोगों की जरूरत ही पड़ेगी, अकेला बंदा भी चला सकते है। इसमें स्पीड कंट्रोल की ये दिया है फंक्शनलिटी, इसकी वजह से हम जो स्पीड कम करके भी पट्टी अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। अभी के टाइम पे कितना समोसा पट्टी इस मशीन से निकाल रहे हैं आप? जो ऐसा है तो हम क्या है कि ऑर्डर की तरह से ये रहता है कि जो हमारा ऑर्डर बढ़ता रहता है तो हम 3000 पट्टियां निकाल लेते हैं, लेकिन हर रोज मेरा 2000 पट्टियां तो निकालना रहता ही है। ये पट्टी बेल के कंप्लीट होके आ गई है, उसका फिनिशिंग आप देख लो। हम जो हाथ से बनाते थे तब बड़ी और छोटी हो जाती थी, इसकी वजह से समोसा भी बड़े और छोटे हो जाते थे। ये पट्टी की वजह से समोसा भी एक साइज का हो जाएगा और हमारा पट्टी भी का फिनिशिंग भी एक साइज का ही रहेगा। ये पूरे का पूरा सिंगल फेज मशीन है। अब मैं आपको जो समोसा के अंदर जो मसाला आता है वो कैसी तरह से हम बनाते हैं और कैसी तरह से वो भरना है वो हमारा जो कारीगर है वो आपको दिखाएगा। सबसे पहले जो आलू के ऊपर वो छिलका होती है वो छिलका निकाल लेने का है। इसमें सब धनिया पाउडर, हरी मिर्च और सब गरम मसाला मिक्स किया है। अभी आप वो गूंद के आप दिखाएगा कि कैसी तरह से वो मिक्स करता है। धनिया पाउडर, हरी मिर्च और गरम मसाला और भी मसाला मिक्स करके हमने जो हमारा मसाला है वो रेडी कर दिया। भरने में बहुत टाइम नहीं लगता है क्योंकि वो जो हमारा एक आदमी आराम से समोसा पट्टी भर सकता है, क्योंकि जो मेन काम है वो मशीन का ही है, क्योंकि बेलने में बहुत टाइम जाता है और साइज भी एक सेम हो नहीं सकती है, इसलिए जो भरने में भी दिक्कत आती है, लंबे छोटे हो जाते हैं समोसे, तो इसलिए जो हमारा मशीन है पूरे का पूरा बेल के खत्म काम कर देगा। हमारा स्पीड बहुत अच्छा है, एक घंटे में हम 200 से 300 समोसा आराम से भर लेते हैं। अभी जो हमने देख लिया कि हमारा समोसा कंप्लीट भर के कंप्लीट हो गया है ट्रे में, ये आपको अभी दिखाता हूँ कि हम फ्राई कैसे उसको समोसा को करते हैं। देखो अभी हमने ये समोसा कढ़ाई में डाल दिए हैं, थोड़े टाइम में अभी वो फ्राई हो जाएगा। आप देख सकते हो सब समोसा की साइज सेम ही है, वही एक मशीन की खासियत है कि समोसा की जो पट्टी आई है वो सब सेम साइज की निकली है, इसकी वजह से वो समोसा की साइज सेम ही है। ये हम जो फ्राई करते हो, हम जो कढ़ाई से वो गैस से यूज करते हैं। अभी मैंने 4 से 5 दिन पहले ही जैक्सन मशीन से वो मशीन आने वाली इलेक्ट्रिक कढ़ाई, उसकी वजह से हम जो फ्राई भी आराम से कर सकते हैं वह बुआ कम होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी आराम से हम जो गैस की और इलेक्ट्रिसिटी का जो कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रिसिटी हम बहुत ही सस्ती पड़ती है उसकी वजह से। अभी हमने जो कढ़ाई से समोसा सब निकाल लिए है, अभी आप देख सकते हो 15 मिनट हो गया है, अभी हमारा समोसा कम्प्लीटली फ्राई हो चुका है और आप देख सकते हो कितना बढ़िया फिनिशिंग के साथ हमारा समोसा कंप्लीट हुआ है और कितना मस्त समोसा लग रहा है।